राम राम भाई, सारे भैया। तो भाई योर कंपटीशन की तैयारी ख़त्म हो गया है 3-4-5 महीने पीछे। तो उस पीछे जो डाइट मैं लिया करूँ रिकवरी खातर, तो उसने स्पेशल वेट गेन की डाइट मान लो भाई। और पहला सब तो पहला भाई है तो मॉर्निंग मील दिखाऊंगा मैं अपने दोस्तों ने, और स्त्री या सुबह से शाम तक जो देसी गामा में गाँव में जो खाना पीना होता है वो ही है बस। मैं आप तो जुड़ा रहूँ, देखते रहो ज़्यादा भाई, तो सारे देख लियो जिन्हें वेट गेन करना है, कम गेन हो रहा है वे शायद फॉलो भी कर सकते। इसमें फैट बहुत ज़्यादा रहेगा भाई, फैट और कार। तो मेरी जिम में जाने से पहले की 1 घंटे पहले की जो मील है मॉर्निंग मील वो देख लो भाई। तो इसमें भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाया करूँ भाई, मीठा 5-4 महीने बिल्कुल सख्त परहेज रहा ना मीठे का। तो इसमें मीठा खाने का मन करे जाओ मेरा, तो मैं ये तो घर वाला गा रहा चने के लड्डू भाई, घी और ड्राई फ्रूट मिला के ज़्यादा, पिट्ठे की मिठाई और जलेबी, ये तो हो गया मीठा। ये हॉट सॉस होंगे 2 चम्मच, हो जाएगी भाई फ्रूट जैम, और 1 चम्मच हो जाएगा पीनट बटर। ये हो जाएगी मेरी सुबह की पहली मील, और इसके बाद वर्कआउट के बाद जो लेता हूँ वो भी दिखाऊंगा। तो देखते रहिए, शाम तक का दिखाऊंगा वेट गेन का और देसी खान पान। तो भाई दोस्तों प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद जो मैं डाइट लूँगा उसमें कोई प्रोटीन नहीं भाई, प्रोटीन 1-1.5 महीने के लिए नहीं लेता कंपटीशन के बाद, प्रोटीन डाइट बहुत कम कर दूँ। तो उसमें 0.5 लीटर दूध है, फुल क्रीम, 1 चॉकलेट, फ्रूट में चीकू और 4 केले। तो ये चॉकलेट दूध भाई ये जो 4-5 महीने ना ली जाती ना जो चीज़ मीठा ना लिया जाता, तो कंपटीशन के बाद वो ही चीज़ मैं दबा के ले हूँ, बहुत ज़्यादा खाऊँ भाई। तो ये हो गया प्रैक्टिस के बाद का, घर के घर पे जाऊँगे फिर जो घरवाली अपनी नॉर्मल, मैं बोलता भी रहता हूँ घरवाला खाना खाओ, तो घर जाके भाइयों को डाइट भी दिखावाएंगे जो नॉर्मल हम सब खाते हैं। तो पूरे दिन का आप देखते रहियो नेचुरल वेट गेन डाइट। तो भाई दोस्तों दिन के खाने का टाइम हो गया, तो देख लो भाई दिन के खाने में कि डाइट रहा है मेरी, जो जो हमारी देसी खाना होगा देसी गामा का वो ही रहा है, देख लो आप भी। लस्सी भाई सबसे पहला 1 लीटर लस्सी, ये थोड़ा बेसन के लड्डू हैं घर वाला डाल रखे हैं भाई देसी घी में, ये हैं थोड़ा मीठा मिठाई, ये घी मक्खन जो परांठा मिल गया करा डब्बे में नूनी घी, दाल भाई गुड़ की डली गुड़, 2-4 रोटी और सलाद, यो है भाई दिन का खाना। तो अगला खाना भी दिखावांगे भाई, या पूरे दिन की डाइट दिखाऊंगा जो हमारे घर देसी डाइट है वो। तो भाई शाम की भूख का टाइम हो गया, और जो वेट गेन बहुत भूखा तो रहना ही नहीं, पेट भरा रहना चाहिए हमेशा। तो शाम की हल्की फुल्की डाइट है थोड़ी, ये आप देख लें दूध है थोड़ा और मूसली है भाई, शाम का खाना है इस टाइम, थोड़ा नॉर्मल से खाना खाओ है रात वाली भूख ना दबे, रात को तो अच्छी मील लेनी है ना। तो ये है भाई शाम की मील, इसमें थोड़ा 1 चम्मच पीनट बटर ले लेंगे और 1.5 चम्मच ले लेंगे फ्रूट जैम, यही है भाई। 1 लड्डू तो इसके साथ भी बनता है, 1 लड्डू भी खा लेंगे बेसन का जो घर का देसी घी का है अपना, उसके बाद रात वाली डाइट और दिखाऊँगा मोटी हो जाएगा गेनिंग शेड्यूल का, एक देसी डाइट का पूरा अपना 1 दिन का शेड्यूल। तो भाई
रात के खाने का टाइम हो गया, तो भाई आप तो दिखावांगे रात का खाना भी, और इसके बाद एक मील और बच जाएगी लास्ट, सोने से पहले दूध, और दूध के साथ जो मैं खाऊंगा वो, तो देख लो भाई रात का खाना भी। सबसे पहले भाई मेन चीज़ है भाई सलाद, तो ये सलाद, ये भाई घी है, नूनी घी बोलते हैं हमारे यहाँ, मक्खन, थोड़ी सी शक्कर है देसी घी में भिगोई, ओड रोटी है भाई, और सब्जी, सब्जी और सलाद जितना हो सके उतना ज़्यादा लो भाई, और किसान जैम थोड़ा बहुत ये भी खा लेंगे स्वाद के लिए, तो ये है भाई। और मैं बोलता था आपको देसी खाओ अच्छा खाओ, अब जैसे कंपटीशन का टाइम है तो भाई उसमें डाइट अलग रहा है, उसमें चिकन अंडे नॉन वेज ज़्यादा रहता है प्रोटीन, और अब मैं प्रोटीन पाउडर भी यूज नहीं करता, प्रोटीन पीना भी बंद है, तो टोटल डाइट मैंने भैया दिखाई है अपनी, और इसमें वेट गेन होगा, तो लास्ट रह गया भाई दूध और चार लड्डू, थोड़ा मीठा और रात के टाइम बिल्कुल सोने से पहले हुआ, और कल इसकी दिन में एंडिंग करूँगा वीडियो की, इससे जो फायदे नुकसान हो बताऊँगा, तो एक मील और उसकी और दिखाऊँगा भाई दूध वाली वीडियो। तो भाई दोस्तों ये थी पूरे दिन की डाइट, और ये हमारी देसी डाइट है जो हमारे घरों में, गाँव में, हरियाणा में नॉर्मली सभी खाते हैं, तो एज ए बॉडी बिल्डर मैं तो इसलिए खाता हूँ भाई, ये हमारा मेन खाना है, और घी दूध दही बिना रुके नहीं जाता भाई, लस्सी घी दूध और दही, और ये लड्डू मीठा थोड़ा इसलिए क्योंकि 4-5 महीने ज़्यादा डाइटिंग पर रह गए थे, वो थोड़ी कमज़ोरी फील हो रही थी, तो एक बिना ये खाते ही हैं भाई, इसमें घी ज़्यादा आ जाता है, जॉइंट्स में पावर मिलती है, तो जो भाई ज़्यादा मस्कुलर सा दिखना चाहते हैं भाई प्लीज़ ये डाइट फॉलो ना करें, बहुत जल्दी फैट आ जाएगा, और मुझे पूरे साल एब्स रखने का कोई भी शौक नहीं है, मैं सिर्फ कंपटीशन के टाइम पे ही अच्छी डाइट ले गए एब्स वर्कआउट, मतलब एब्स वर्कआउट तो अभी भी करते रहते हैं हफ्ते में एक दो बार, तो ज़्यादा एब्स दिखाने का शौक नहीं है, तो अपने जो घर का देसी खाना रहा इससे पावर मिलती है, ज़्यादा पावर मिल लगी ज़्यादा मसल बड्डी होगी, तो और जिन भाइयों को वेट गेन करना है वे ज़रूरी है डाइट फॉलो कर सकते हैं, और इसमें डाइट में आपने देखा हुआ सारा घर का ही है भाई, दूध है, लस्सी है, घी है, मक्खन है, सब्जी दाल रोटी वही है भाई नॉर्मल सा खाना, तो कमेंट करके बताइए भाई देसी खाना कैसा लगा, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो सारे भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइए फिर इस हिसाब से आगे वीडियो बनाते रहेंगे, अगली वीडियो एक आधी जो हमारा देसी रहन सहन है अखाड़े का फार्म पर जाके उस तरह और बनाएंगे ब्लॉग, तो राम राम भाई सारे भाई।